देखा, इन लोगों को बताना पड़ता है गाइस, वरना ये लोग सुनते ही नहीं है। देखो आप अभी देखो सीधे जा रहे हैं सभी लोग। ऑलराइट, हमने ट्राम का काम पूरा खत्म कर लिया। और ये इतनी सारी लाइन से क्यों जा रही है भाई ट्राम्स? देन वील डू वन थिंग, हम यहाँ पे एक मेट्रो डालेंगे, अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो, तो ज़्यादा हमें ट्रैफिक का कुछ परेशानी नहीं होता। ये रहा मेट्रो दिन को, मुझे करना क्या पड़ेगा, मतलब बजट कम करना पड़ेगा क्या इन लोगों का? तू भी सीधे जावे, तुझे घूमने, इन लोगों को लाइन कट करना ना, ये लोग इंडिया से ही सीखे हैं शायद ये, वरना हम भी लोग यही करते हैं ना, सीधे नहीं जाते इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऑल राइट गाइज, तो आज हम खेल रहे हैं सिटी स्काईलाइंस फिर से। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक्चुअली ना इसमें एक मॉड इंस्टॉल किया था, और मॉड के जरिए से मैंने काफ़ी ज़बरदस्त एक भूल भुल ऐसा रोड डाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रोड है। तो मैं एक्चुअली कल रात ऑफलाइन में गेम खेल रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको एक सिटी में डालेंगे, फिर हम उससे एक सिटी बिल्डअप करेंगे। तो मैंने गेम में डाल दिया ये बहुत सारा, आप देख सकते हो कितना काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है गाइस। मैं एक मिनट बुलडोज़र को थोड़ा हटाता हूँ, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त एक भूल भुलैया सा दिख रहा है इसमें। देन मैं इसको एक डालने के बाद मैंने क्या कि मैं एक मिनट इसको ना हटा देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बिंग कर रहा है। हाँ, देन मैंने इसको एक डाल दिया, ये रहा अपना मेन हाईवे जो सिटी से गुजरते हुए इधर जाता है। तो फिर मैंने इसको सब डाल के ये भूल भुलैया सा रोड डाल दिया, जो देखने में यार काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, इसका सिनेमैटिक व्यू, आप एक एंजॉय करो इस बाइक वाले का। आप देख सकते हो कितने सारे, मतलब बहुत सारे स्टेप्स के बना हुआ है ये रोड, जो हाईवे या ब्रिजेस या कुछ भी हम कह सकते हैं, इंटरसेक्शन आप प्लेस लो, रोड के बीच में एक ये मतलब पिलर आ गया था। अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब गेम डेवलपर से ऐसा किया है, तो मतलब गेम डेवलपर से मॉड डेवलपर से किया है तो चलता है। तो ये रहा एक कार का व्यू, तो अभी हम सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, और मैं उधर एक ब्रिज डाला हूँ जो आप देख सकते हैं, ब्रिज है। और ये इस ब्रिज की खासियत है, ये ब्रिज ना एक्चुअली गेम में ये भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। वो ब्रिज ये रही, मैं आपको बाद में बताता हूँ इस ब्रिज के बारे में। फिर मैंने एक और एक इंटरसेक्शन इधर लगाया गेम में, मतलब हाईवे से लेके एक इंटरसेक्शन मैंने इधर लगाया है। फिर हमने इधर से इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब यहाँ मुझे और एक इंटरसेक्शन लगाना ज़रूरी पड़ा, क्योंकि ये हाईवे है और ये सिटी स्टेट वे है, मतलब सिटी के अंदर जो जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे एक ट्रैम भी लगाना है हम गेम में, यस गाइस, पहली बार हम ट्रैम यूज़ करने वाले हैं। जो ट्रैम, जो लोगों को अगर पता नहीं है, ट्रैम होता है जो रोड के बीच में जो ट्रेन चलती है, जो लंदन वगैरह पे चलती है, इंडिया में तो है नहीं तो लंदन वगैरह पे जो, उसको हम ट्रैम कहते हैं, ट्रेन नहीं कहते, ट्रैम कहते हैं। तो आप समझ सकते हो ट्रेन का छोटा छोटा भाई मेट्रो की तरह मिलता है। फिर मैंने एक हॉस्पिटल डाला इधर, बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त हॉस्पिटल है ये। तो ये सिटी में कल ही बनाना शुरू किया, फिर मैंने पता नहीं चला मुझे कैसे एक दो घंटे लग गए इन सबको बनाने में। फिर मैंने इसमें एक और एक मॉड डाला है जो रियल लाइफ पॉपुलेशन ऐसा कुछ है, तो इसलिए मुझे 40,000 पीपल दिख रहे हैं सिर्फ इतने से शहर में, मतलब इतने से शहर में समझ सकते हो 40,000 पीपल जी रहे हैं यार, मतलब गजब है ये तो। फिर मैं यहाँ पे कुछ रोड्स को कट करके मैंने हाईवे को यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हम एक ऑफिस जोन बनाएंगे। आप देख सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने पैटर्न बना के रखा है, और मैं ये मानता हूँ ना गाइस, अगर ये पैटर्न मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बट ये अगर मैं इतने सारों को अगर मैं ऑफिस जोन बना दूँ तो मुझे लोग कम पड़ जाएंगे काम करने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें सिर्फ दो तीन हम बनाएंगे, तो ये तो ज़रूरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाईवे से कनेक्टेड है। इसको हम बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, इन तीनों को ही बनाएंगे, मतलब बाकी सबको नहीं बनाएंगे ऑफिस हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबको बनाएंगे। फिर हम इन सबको ना थोड़ा एराइज कर देंगे। मैं जल्दी से मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, मैं इसमें ना एक शहर में मैं ये नहीं बना रहा हूँ, इंडस्ट्रियल जोन हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अनोइंग सा लगता है, उतना अच्छा दिखेगा नहीं सिटी। तो इसलिए मैंने इसमें इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना रहा, पूरा हम ये बनाएंगे ऑफिस जोन ही बनाएंगे। अगर इंडस्ट्रीज़ की अगर वैसे भी हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हमें कोना लेके इधर कहीं पे या छोटा सा एक इधर पार्ट बना के इधर सारा इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईवे भी नज़दीक है, तो पूरा हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट होगा उस सिटी में, उसके ट्रैफिक वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यार ये रोड को आप देखो, इससे ऐसा लगता है ना, इससे ट्रैफिक ज़िंदगी में नहीं होगा सीरियसली। मतलब यार अगर ऐसा रोड रियल में कहीं बन जाए ना, तो मैं डेफिनेटली इसमें ट्राई करना चाहता हूँ। बाकी आप कॉमेंट में बताना कैसा लगा ये रोड, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा यार, पूरा एकदम भूल भूलिया जैसा लुक है इसका, मतलब दिल करता है इस रोड में हम घूमें फिरें। मैं एक बार फिर से एक बार आपको सिनेमैटिक व्यू बताता हूँ, क्योंकि ये लोग भी इधर शायद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो हमें देख लिया, अगर जा रहे हैं तो हम देखेंगे। सिटी एक बार पूरा बनाते हैं गाइस, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फटाफट से मैं इसको रब करता हूँ, मैं एक जेसीबी का टूल लेता हूँ, हम इसको जल्दी जल्दी से रब कर देते हैं ताकि आपका व्यू।
ठीक है गाइस, वो मैंने एक मॉड डाला था, वो कहीं पे दिख नहीं रहा, शायद मैंने उसको ऑन करना भूल गया। तो ठीक है, हम देखते हैं इधर से फिर से जाके अगर कुछ हो सकता है तो। हम एक रोड इसको हम बना लिए, फिर हम रोड्स को ना बाद में हम उसको ठीक कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैनुअली एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है इतना। अगर शार्प लेकर लोग टर्न लेंगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, तो फिर से वो आके मतलब फिर से वही रंडी रमा करना पड़ेगा हमें। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। अरे मिल गया मुझे, यही है यार, यही था वो चीज़। मैं अभी से इसको क्या करता हूँ, ऐसे डालता हूँ, देन हम वहाँ से इसको ऐसे लेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके अरेंज करेंगे, यहाँ से अरेंज करेंगे, फिर यहाँ तक अरेंज करेंगे। हम इसको कंट्रोल दबा देंगे, ये रहा एक अरेंजमेंट, दिन ये रहा और एक अरेंजमेंट, मतलब ये ठीक है, अभी ज़्यादा टर्निंग नहीं है ना इसमें, तो ये ठीक है। और फिर मैं यहाँ वैसे ही क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, इसको तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर गाइस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इस रोड को क्या करूँ, मतलब इसको मैं यहाँ से जोड़ दूँ या इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दें। मैं क्या करता हूँ, इसको ना फिलहाल हम इसको थोड़ा जोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में जाके वो ट्रैफिक क्रिएट कर देगा, फिर वो मतलब इसको हम यहीं से थोड़ा सा जोड़ देते हैं, बाद में हम उसको चाहे तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बंदे इधर से जा रहे हैं, फिर इधर से आ रहे हैं, फिर ट्रैफिक तो यार थोड़ी सी आ रही है। मैं थोड़ा सिटी को थोड़ा, ओह माय गॉड यार, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे लोग आ रहे हैं, और अपना पॉपुलेशन 40,000 पे पहुँच चुका है, मतलब 40,000 लोग हैं यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत सारी पॉपुलेशन है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा इतने सारे लोग आ किधर से रहे हैं, मतलब इधर से भी आ रहे हैं, देन इधर से भी आ रहे हैं। हम इसको ना, इन लोगों को ना थोड़ा डाइवर्ट तो करना पड़ेगा, वरना लोग बहुत इधर ट्रैफिक कर देंगे। और बाकी के आप देख सकते हो धीरे धीरे अपने पॉल्यूशन इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री जोन। अब बाकी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, लोग आ जाओ। मैं डेफिनेटली टोल लगाऊंगा, क्योंकि टोल से हमें कमाई बहुत करनी है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है इधर। मैंने सोचा नहीं था इतने लोग अपने शहर में आएंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा यार कहाँ से आ रहे हैं लोग, मतलब क्या है इनका, बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं लोग। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रैफिक का थोड़ा लोड हम क्रिएट करेंगे, वरना ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फालतूगिरी कर रहे हैं। तुम लोग स्ट्रेट सीधे जाओ बे, तुम लोग सीधे जाओ बे, तुम यहाँ से भी लोग सीधे जाओ, तुम लोग यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, वरना आप खामोखा घूमते मत रहो एक ही जगह पे। देखा इन लोगों को बताना पड़ता है गाइस, वरना ये लोग सुनते ही नहीं है। देखो आप अभी देखो सीधे जा रहे हैं सभी लोग, अब इनको थोड़ा बताना पड़ेगा, इनको एक हम, आप लोग सीधे जाओ, तू भी सीधे जावे, तुझे घूमने, इन लोगों को लाइन कट करना ना, ये लोग इंडिया से ही सीखे हैं शायद ये, वरना हम भी लोग यही करते हैं ना, सीधे नहीं जाते इधर उधर घूमते रहते हैं। तो गाइस ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, तो ये लोग भी चले जाएंगे आई गेस, चले जाना चाहिए इन लोगों को, वरना फिर से ट्रैफिक जाम। मुझे ट्रैफिक जाम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा ये इनको डाल दिया है, तो आई गेस आई होप हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा ज़्यादातर, देखते हैं। मतलब सभी लोग शहर में अंदर आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, तो अभी हम देखते हैं इसका क्या दिक्कत है। मतलब ट्रैफिक तो बहुत बढ़ जाएगा गाइस अगर ऐसा रहा तो। हमें इंडस्ट्रियल जोन बना, ठीक है यहाँ भी बन रहा है, इसको क्या दिक्कत है भाई। हम क्या करेंगे, एक यहाँ से टावर लगाएंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलनी चाहिए, ठीक है तुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। हम 967 मेगावाट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम अभी मस्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ मैं इसकी बात बता रहा था आपको, आपको मैं अगर दिखाऊँ तो गाइस ये क्या फ्लडेड है क्या, मतलब क्या दिक्कत है इसकी, फ्लडेड कहीं मतलब फ्लडेड तो नहीं हो गई, नहीं शायद इसके बीच में से रोड जाएगा, तो इसलिए ये एक टर्बाइन की तरह काम करती है। ब्रिज काफ़ी ज़बरदस्त ब्रिज है, मुझे देख के अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इंस्टॉल किया हूँ, देखते हैं अगर इसको यूज़ करने का मौका मिलेगा या नहीं। फिर मैंने शहर में पानी की टंकियाँ डालें इधर, क्योंकि पानी की टंकियाँ देखने में भी अच्छी लगती हैं और पानी भी अच्छा स्टोर वगैरह कर सकती हैं। इनको ना, ये लोगों को मुझे समझ नहीं आता हमेशा मैथ्स में क्या दिक्कत है, और प्रॉब्लम मेरी भी है, मैंने रोड ऐसे बना के रखा है इधर। भाई तुम लोग ना लाइन डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप डिवाइड करो, यहाँ से आप सीधे भी आ सकते हो। ऐसे दिन में से मैं आपको पानी कैसे दूँ, यहाँ से मेरा पाइप का कनेक्शन बहुत वेस्ट हो जाएगा, मैं पानी नहीं देने वाला हूँ तुम लोगों को। हाँ ठीक है,
ठीक है, अपने शहर में सभी खुश रहना चाहिए, हम दे देते हैं पानी उनको भी। ठीक है ऑलराइट, मैं पानी उनको दे दिया। अभी मुझे बिल्डिंग्स को थोड़ा लेवल अप करना है, अपने माइनस में जा रहे हैं अपने अमाउंट्स। तो 50,000 लोग, यार मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो आज मैं यही प्रॉब्लम की बात कर रहा था, काफ़ी सारे लोग तो अपने शहर में हैं फिर भी ये लोग पढ़ने नहीं आ रहे हैं, मतलब काम करने नहीं आ रहे हैं, ऑफिस में काम करने नहीं आ रहे हैं। तो नॉट एनफ वर्कर्स है। थोड़ी देर लगेगी क्योंकि लोगों को भी यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लोग शहर में आ कहाँ से रहे हैं, पूरे शहर में आ रहे हैं, मतलब जा कोई नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा पॉलिसीज में चेंज करूँगा, मेरा फालतू में बहुत सारे ट्रैफिक जम जाएगी, मैं थोड़ा पॉलिसीज में चेंज करूँगा। देन मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा साइकिलिंग को बढ़ावा देते हैं हम, इनक्रेज बाइकिंग, देन बैन हैवी ट्रैफिक बैन, हम ट्रैफिक को थोड़ा बैन करेंगे। हाईटेक हाउसिंग हम बढ़ाएंगे, देन VIP एरिया हम बाद में देखेंगे, फास्ट रिकवरी छोड़ेंगे, नो रीबिल्डिंग्स वो नहीं हमें चाहिए, रीबिल्डिंग चाहिए। देन ज़्यादातर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स हम यूज़ करेंगे, फिल्टर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। बूस्ट कनेक्शन हम करेंगे, वर्कर्स यूनियन हम डालेंगे, ऑटोमेटिक टोल्स तो अभी फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि मैं टोल्स नहीं डाला हूँ, इंडस्ट्रियल 4.0 हम डालेंगे, गॉट इट। देन हम सर्विसेज में जाएंगे, देन पावर यूजेज, स्मोकिंग, रिसाइकल, पार्क्स एंड रिक्रिएशन हम ऐड करेंगे, एजुकेशन बूस्ट हम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैं ज़रूर फ्री करूँगा गाइस, सभी हमारी दिल्ली जैसे सरकार नहीं बनी इसमें, तो मुझे पोल्यूशन अगर मैं अभी से मैंने कर दिया तो ऑफर हो जाऊँगा, फिर अभी नहीं करूँगा। देन ऑटोमेटिक सॉर्टिंग, ये क्या है, फॉर प्रॉफिट एजुकेशन लगी नहीं चाहिए, एजुकेशन में प्रॉफिट नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक सॉर्टिंग में क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग और इनक्रीज 10% मेल कैपेसिटी, ठीक है मेल्स का है हमें नहीं चाहिए। देन मेंटेनेंस बुश, ठीक है फिलहाल के इतना है। देन ये क्या है, अभी अपने शहर में ट्रैम्स मस्त घूम रही है, इससे हमें क्या पड़ेगा, थोड़ा सा मस्त चलेगा बिजनेस सबको। एंड बाकी का आई डोंट नो, यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं है, यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे, देन यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे, तुम जाके रुको वहाँ पे, लोग आएंगे। ऑलराइट, ये तो बैक टू बैक सभी स्टॉप्स पे जा रहे हैं, देन हमें किधर एक लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ से घूमने की लाइन ये। ऑलराइट, हमने टाइम का काम पूरा ख़त्म कर लिया, तो बाकी का ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये इतनी सारी लाइन से क्यों जा रही है भाई ट्रैम्स, इसको मुझे करना क्या पड़ेगा, मतलब बजट कम करना पड़ेगा क्या इन लोगों का। लाइंस डिटेल्स, 2, 4, 5, 6 पैसेंजर्स हैं, तो पैसेंजर्स से बढ़ेंगे। अरे व्हीकल नंबर ऑफ व्हीकल्स 26, क्या मजाक चल रहा है क्या बे, इतने सारे व्हीकल्स नहीं चाहिए, आप एक 15 व्हीकल्स जाओ बस, यस 15 भी ज़्यादा है तो जाओ 15 जाओ बस, इतने सारे टाइम्स से गए चले गए तो इन्हीं का पूरा ट्रैफिक पड़ा है इधर, दूसरे रोड पर फिरेंगे क्या। ऑलराइट, हमने ट्रैम्स डाल दिया सिटी में, तो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में चल क्या रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया अपना यहाँ पे है, यहाँ पे अभी भी लोग नहीं है, हम क्या करेंगे ट्रैम का इधर डालेंगे, मतलब लोगों को ट्रैम्स आना पड़ेगा क्या इधर, हम मेट्रो डालेंगे ट्रैम डालेंगे इधर, ट्रैम तो हाईवे पे नहीं चलेगी तो अलग से एक लेन लेना पड़ेगा, फिर परेशान हो जाएंगे। मैं यहाँ से तो ले सकता हूँ ट्रैम, फिर ज़मीन थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ करता हूँ एक मेट्रो डालते हैं। अभी मेट्रो के लिए मैं खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि अपना फिर से माइनस पे है, तो 57,000 लोग हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, हम अभी ट्रैम ही डालते हैं इन लोगों को भी, क्योंकि अगर ट्रैम्स घूमेंगी तो अच्छा लगेगा, मतलब ये सारे रोड्स मुझे अपडेट करने पड़ेंगे अगर ट्रैम्स घूमेंगी तो। देन वील डू वन थिंग, हम यहाँ पर एक मेट्रो डालेंगे, डेफिनेटली एक मेट्रो ठीक रहेगी सिटी को कनेक्ट करने के लिए, मेट्रो डालेंगे, यस मेट्रो ही डालेंगे हम, अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो तो ज़्यादा हमें ट्रैफिक का कुछ परेशानी है। तो ये रहा मेट्रो, देन ये रहा मेट्रो का एक स्टेशन, स्टेशन हम पार्क एरिया में डाल देंगे मेट्रो स्टेशन, ये तो नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, मेट्रो स्टेशन यहाँ डालें क्या, बोलो गाइस क्या कहते हो, मेट्रो स्टेशन हम पार्क एरिया में डाल देते हैं, फिर पार्क एरिया में थोड़ा मेट्रो आएगा तो बाजू हम पेड़ वेड़ भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेज डाउन मेट्रो ट्रैक लेंगे यहाँ से, हम मेट्रो स्टेशन यहाँ पे सिटी में काम डाले, मेट्रो स्टेशन हम यहाँ पे डालते हैं सिटी में, तो राइट
ये रहा मेट्रो यहाँ से, हम यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे मेट्रो का। अच्छा भाई हाईवे पे मेट्रो नहीं डाल सकते हम, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लेना ले लिया मैं इधर, इसको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी इसको। हम एक स्टॉप, हम सिटी में मेट्रो डालेंगे ना, तो एलिवेटेड मेट्रो डालेंगे, अच्छा रहेगा इधर, ऑलरेडी कवर्ड है, हम इसको अराइज करेंगे। मुझे पता था इस रोड को निकालना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे पता था इस रोड को निकालना पड़ेगा, फिर डेफिनेटली हम उसको तो करेंगे ही। देन मैं इसको क्या करता हूँ, फिर अंडरग्राउंड से चलते हैं हम। बढ़िया, टूल को हम सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं इस पर मेट्रो पे काम करता है नहीं। आगे से मेट्रो पे काम कर रहा है भाई, आग लगी पड़ी उधर, हमें इधर उधर मस्त कर रहे हैं हम यहाँ से। यहाँ तक एंटर मारो, काफ़ी ज़बरदस्त मेट्रो यहाँ से जाएगी, फिर वहाँ से आएगी। इधर तो आग लगी पड़ी है अपने जोन पे, मेट्रो ठीक है इधर, बढ़िया है मतलब, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक मेट्रो लेंगे, फिर यहाँ पे एक डालेंगे मेट्रो, क्योंकि लोग मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो ठीक रहेगा, मेरे मेरे हिसाब से लगता है मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे डालेंगे मेट्रो, क्योंकि ट्रैम से अगर हम यहाँ पे डाल सकते हैं शायद, फिर मैं थोड़ा सा बिजी एरिया पे यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हम एलिवेटेड मेट्रो डालेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा अगर हम यहाँ पे एक एलिवेटेड मेट्रो डालेंगे तो। बढ़िया, ओह मतलब थोड़ा सा इसको निकालना पड़ेगा फिर से हमें, ऊपर की मेट्रो, देन ये इसको निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे एक स्टेशन में सिटी को थोड़ा पास करेंगे गाइस, सिटी थोड़ा ज़्यादा ही घूम रही थी ये। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे एक स्टॉप डालेंगे मेट्रो का, लोग आ जाओ भाई मेट्रो में, अब काम वगैरह पे जाओ, हमें इनकम तो मिलेगी ही। मैं वहाँ से यहाँ पे एक स्टॉप डाल रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने बहुत ही मिस कर दिया यार इस मेट्रो में, क्योंकि मैं दोनों तरफ से मेट्रो चलेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। कंप्लीट लेन, तो यहाँ पे एक इनकम्प्लीट लेन पड़ी है, आई डोंट नो कौन सी लेन नहीं है, इसको मैं पहले हटाता हूँ। अच्छा इसको नहीं हटा सकती है, मैं क्या कहता हूँ मेट्रो की पूरी लाइन्स में डिलीट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है क्योंकि ये मेट्रो लाइन, ये कौन सी लाइन, कहाँ पे इनकम्प्लीट है, ये तीन लोग ही खड़े हैं तो मेट्रो लाइन क्या है ये, मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। अब इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके हम नहीं बनाएंगे, दो दो लेंस दोनों तरफ आनी चाहिए। मेट्रो में बहुत सारे लोग जाते हैं गाइस, अभी से आप देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, देन ये इधर से जा रहे थे, देन ये इधर से आ रहे हैं, देन ये इधर से जाएंगे, देन ये इधर से आएंगे, देन ये इधर से आएंगे। ऑलराइट, तो हम अभी शहर को प्ले करेंगे, बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त हमने मेट्रो एक डाल दिया, फिर अपना सिटी भी पॉजिटिव में चल रहा है। तो ऑलराइट गाइस, आज हमने एक ऑफिस जोन बनाई, फिर हमने उनको ट्रैम कनेक्शन दिए सिटी में, फिर सिटी में हमें बहुत सारे चीज़ें की, 66,000 लोग यार, मतलब पॉपुलेशन देखो जबरदस्त पॉपुलेशन है, ओ यहाँ पे लोग मर रहे हैं, इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ऑलराइट मैं इसको कुछ ग्रेवियार्ड्स वगैरह कुछ डालता हूँ, फिर हमने एक ऑफिस जोन बनाई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर हमने ऑफिसर्स को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो डाला। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में देखते हैं शहर में और कुछ करेंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ एक एयरपोर्ट डालेंगे, शहर को थोड़ा और बड़ा करेंगे, क्योंकि इतने इतने छोटे एरिया में अगर इतने लोग हैं तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे एक हाईटेक सिटी बनेंगे, इस साइड पे एक हाईटेक सिटी बनाएंगे, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। फिर यहाँ पे हम एक रेलवे कनेक्शन है, मतलब रोड कनेक्शन है, इसको हम जोड़ेंगे इसको खरीद के, तो बने रही इस वीडियो में, हम इस स्टार से पे पूरा सिटी बनाने वाले हैं, यहाँ पे इसको जोड़ दिए, फिर यहाँ से हाईटेक सिटी को जोड़ेंगे, फिर यहाँ से एक जोन बनाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन वगैरह कुछ, जैसे मैंने बोला था साइड में बनाएंगे इंडस्ट्रियल जोन, बहुत बहुत मज़ा आएगा।
देन यहाँ पे हमें कुछ अलग सा बनाएंगे, लाइक पार्किंग एरिया वगैरह कुछ, फिर यहाँ पे कुछ अलग बनाएंगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए, तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और मुझे बताना किस शहर में और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं हम। तब तक के लिए गुड बाय।